बाहर आने जाने के लिए बड़ा मसला था क्योंकि मैं बड़ी थी। हाँ, प्यो तो बाद आवारा हो गई है। जो अच्छे लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो भी मर्द बहुत अच्छे हैं, वो मुझे गुड करके यूं तक इशारा करके जाते हैं, कोई ऐसे करके जाता है कि गुड बहुत अच्छी बात है। जो लोग मुझे कहते थे अब ये नहीं सुनने को मिलता, वो अपनी बेटियाँ मुझे मेरे पास लेके आते हैं कि इन्हें भी सिखा दे, ये भी आपकी तरह बाहर आए जाए। सजना वे तू हासे दिते, सजना वे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, लोका ने ते गल ही की थी, तू ते खोल खलासे दिते। अच्छा, आप डेली कितने किलोमीटर सफर कर लेती हैं? तो वो जो किसी के लिए करता बेहतर करता है, वो कहता ना मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो उसने बेहतर किया होगा मेरे वास्ते, जो फैसला किया होगा, नहीं तो वरना मेरी क्या औकात है कि मैं कह जाती कुछ। मैं जिडो कराटे हूँ सीखती हूँ, तो लड़कों वाले सारे शौक मेरे में है, बैट बॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिड़ी छिक्का मैं खेल लेती। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अमरीन और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज इस तरक्की के दौर में अब ख्वातीन भी किसी से कम नहीं। हम आज मुलाकात करवाने वाले हैं इस वीडियो में आपकी एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिसने बाइक सीखी और उसके बाद उसको दूसरी लड़कियों को भी सिखाया, अपने घर को सपोर्ट किया, काफी स्ट्रगल की इन्होंने, ये कैसे की, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से इंस्पायर हुए, आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपने बाइक चलाना कब से सीखी? मैं पहले छोटे होते साइकिल ही चलाती थी क्योंकि मेरे वालद नहीं थे, वालदा मेरी अनफिट थी, 6 बहनें 4 भाई थे हम। अच्छा। तो बाहर आने जाने के लिए बड़ा मसला था क्योंकि मैं बड़ी थी, तो सबसे बड़ी थी आप? नहीं, तीसरे नंबर पे थी, लेकिन दूसरे बहन भाई इतने होशियार नहीं थे, कोई साइकिल वगैरह बाहर नहीं आते जाते थे, मैं शुरू से जरा आप बहुत चलाक थी। हाँ जरा, क्योंकि पढ़ी भी मैं ही थी ना मिडिल तक, बाकी तो तालीम नहीं दी किसी को भी, तो इस लिहाज से जरा मैं बेहतर जानती थी बाहर आने जाने के लिए। मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल पर मंडी जाना आना जाना। फिर इस तरह हुआ कि मेरी वालदा कहीं काम करती थी, तो वो मैं उनके साथ मिलके ना अनफिट हो गई। वो अनफिट जब हो गई तो मुझे ना बहुत सारी ना बाहर जाने के लिए मसले मसाइल होते थे, तरले करने पड़ते थे, किसी के रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि मेरी वालदा को ले जाएं, बाइक है लेकिन मेरे पास चलाने के लिए नहीं होता था कोई। लेकिन इस वजह से फिर जब मैंने देखा कि मुझे इतने तरले करती हूँ किसी को कि मुझे ले जाए मेरी वालदा को, जब मैं लेके जाऊँ, मैं तो चला नहीं सकती थी तब, साइकिल ही थी, फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं ना बाइक ट्राई खुद करूँ। मैं किसी को जो कह रही हूँ तो मैं साइकिल चलाती तो बाइक भी, तो वालदा ने मना नहीं किया या किसी फैमिली मेंबर ने कि कुड़ी होके तू बाइक चलाएंगी? अगर मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ तो अपनी वालदा की वजह से लोगों ने बड़ी बातें की थी, रिश्तेदारों ने भी की थी अपने। कौन सा डायलॉग ज्यादा सुनने को मिलता था? हाँ, प्यो तो बाद आवारा हो गई है, होना अभी कुछ करना है। अभी भी ये सुनने को मिलता है आपको? अब ये है कि जो लोग मुझे कहते थे अब ये नहीं सुनने को मिलता, वो अपनी बेटियां मुझे मेरे पास लेके आते हैं कि इन्हें भी सिखा दे, ये भी आपकी तरह बाहर आए जाएं, असि सारी जिंदगी इन्हें सिर पे थोड़ा रहना है। मेरी तरफ देख कर बहुत सारी लोगों की हिम्मत भी पैदा हुई, लड़कियों की हिम्मत पैदा हुई, वो मुझे कॉल भी करती है सिखाने के लिए, और मैं उन्हें कहती हूँ सीखे। अगर बाइक है उनके पास तो ज्यादा ईजी है, क्योंकि अभी मैंने इंटरव्यू इसीलिए दिया था कि उन लोगों में मुझे सपोर्ट किया जाए, जब बाइक जाए तो मैं लड़कियों को सिखा पाऊं इजी, इसलिए कि वो भी मैदान में आए और बाइक चलाएं और किसी के मुताज ना रहे। अब तक कितनी लड़कियों को बाइक चलाना सिखा चुकी हैं और कुछ चार्जेस वगैरह भी लेती हैं? मेरी वो दोस्त है, उनसे मैंने अभी चार्ज नहीं लिए थे, लेकिन वो मुझे देती हैं, पैसे दे देती थी थोड़े बहुत कि आपकी जो तेल वगैरह होता है तो वो तो जाहिर है ना उसके देती थी, लेकिन अभी वो मेरी दोस्त थी, मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी, तो मैं उनको 10 लड़कियों को सिखाई है, वो मेरे साथ चला भी रही है और अपने बच्चों को छोड़ के भी आती, लेके भी आती, और 5-10 जो बच्चियाँ ना वो अभी चला रही है, थोड़ी थोड़ी सीख रही है। अच्छा, तो आप अपनी सर्विसेज कौन कौन सी देती हैं, बच्चे छोड़ने, लेडीज छोड़ना और क्या क्या करती हैं? मैं इसके अलावा पोलियो भी करती हूँ तो बाइक पे ही करती हूँ, और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, बच्चियों को पेपर दिलाना हो तो उनको भी लेके जाती हूँ, किसी ने पार्लर जाना उन्हें भी लेके जाती हूँ, किसी ने ससुराल जाना है जब शॉपिंग करनी है नारकली से 1-1.5 घंटा लगता है तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ, तो वो उसके चार्ज मुझे दे देती हैं ज्यादा, तो मैं उनके साथ ले भी। अच्छा, फिर हमें ये भी बता दें कि दिहाड़ी का कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है बस के बेटा मैं किसी की मुताज नहीं, अपनी मेडिसिन अपने अखराजात जो है ना मैं इसी पे करती हूँ कि मैं किसी की मुताज नहीं हूँ, अपने बहन भाइयों की, चाहे वो मेरे बहन भाई हैं लेकिन मैंने कभी आज तक उनसे नहीं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैं इसी बाइक पे ही अपनी मेडिसिन हर चीज जो है ना आना जाना हर चीज खाना पीना मेरा इसी पे होता है। तो अभी आपकी एज क्या है और कितने साल हो गए आपको बाइक चलाते हुए? मेरी 40 एज है तो बाइक चलाते मुझे 8 साल हो गया, 10 साल।
क्योंकि मेरी वालदा की डेथ जब हुई थी ना, फिर मैं तभी मसन चलानी शुरू की, तभी चलाना शुरू किया था आपने। जी जी बिल्कुल, तब मैं अपने इलाके को लेके जाती थी ना, अब तो मैं हर किसी को कहीं ना कहीं लेके जाती। पहले मेरे इलाके वाले ही जानते थे, लेकिन मेरी जो व्हाट्सएप पे मेरा चलता है कुलसुम गुलजार बाइक राइडर के नाम से ही है, क्योंकि अगर मैं और नाम रखती ना तो बाद लोगों को होता कि ये मेल है कि फीमेल है। अच्छा, बाइक चलाने के अलावा आपकी क्या क्या मसरूफियात है? इसके अलावा ये है कि मैं मेरे इलाके के जो लोग हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर थी, किसी को जहाँ भी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल जाना या कहीं जाना पर्ची पर, क्योंकि मैं ये चीज़ें जान चुकी हूँ, मेरे इलाके के जो लोग हैं ना वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें उजरत उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और मेरी यही कोशिश थी कि मैं एक मिसाल बनूँ उन लोगों को, मेरी तरफ देख के बाकी लोगों को हिम्मत आई है कि हम भी बाइक ट्राई करें तो यही काम करें। इसी तरह फिर मैंने ना उनको भी कहा कि आप भी बाइक ट्राई करें, ये काम छोड़ दें। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे वो रद्दीका करती थी, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको उजरत भी क्या मिलनी है 300-400। तो देखिए अब एक मेरी दोस्त है शाजिया, वो बाइक चला रही है तो माशाल्लाह 2500 रोजाना का वो कमा रही है। एक लड़की को बाइक सिखाने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर बाइक वो बेहतर तरीके से कर लेती है तो 8-10 दिन में वो बाइक ना चलाना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब वो थोड़ी थोड़ी चलाना शुरू कर देती है महीना लग जाता है कि वो फिर सड़क पे भी बाइक जो है ना अच्छे तरीके से चला सके। एक महीने में वो चला सकती है, लड़कों का मुकाबला कर सकती है? जी क्यों, लड़के कौन से मसल टार्जन है जो लड़कियाँ नहीं है। अच्छा, मैं अक्सर करती हूँ ना लोकल ट्रेवल करना हो तो जो रिक्शे वाले हैं और वो साथ दो अलग से जो आदमी बैठे हुए हैं पास, ऐसे किसी लड़की ने गुजरना है ना तो वही लड़की जा रही है, आपको देख के इस तरह के कमेंट आते हैं? जी बिल्कुल, अब तो जाहिर है कि ये चीजें हैं, लेकिन जो अच्छे लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी मर्द बहुत अच्छे हैं, वो मुझे गुड करके यूं तक इशारा करके जाते हैं, कोई ऐसे करके जाता है कि गुड बहुत अच्छी बात है। तो जो हैं सारी दुनिया एक जैसी भी नहीं, सारे मर्द एक जैसे भी नहीं है, जो हैं जाहल वो जाहल हैं, जो अभी तक हैं तो वो बड़ी अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तारीख के साथ यूं करके इशारे भी करते हैं कि गुड बड़ी अच्छी बात है कि किसी की मोहताज नहीं। मेरा ख्याल है कि हर लड़कियों को सीखने मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है तो मुझे भी सिखाएंगे। आपका थोड़ा सा मुझे जरा दूर पड़ता है तो इंशाल्लाह ताला ये मुझे एक बाइक मिलती है जैसे स्पोर्ट होती है, मैं जरूर आपके घर आके आपको सिखाऊंगी, चाहे मुझे 1 घंटा देना पड़े आपको लाजमी सिखाऊंगी। आप घर ना आइएगा, यहीं पे ही आगे मुझे चाहे सिखा दे, लेकिन सिखा दीजिएगा क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ कि लोकल आना जाना और फिर बाइक अब खुद को आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अब बेसिक जरूरत है क्योंकि गाड़ी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये भी बात है कि गाड़ी हो भी ना, जहाँ पे बाइक जाती है ना वहाँ गाड़ी नहीं जाती। दूसरी बात ये है कि पहले आप ये जेहन में रखें कि आपने बाइक सीखनी है कि स्कूटी चलानी है, क्योंकि स्कूटी का फंक्शन हो रहा है, बाइक का फंक्शन हो रहा है। दोनों में से क्या चीज़ है ज्यादा आसानी से चलाते? इजी है आपके लिए बाइक, स्कूटी है ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसका गियर वगैरह नहीं होता। अच्छा, आप डेली कितने किलोमीटर सफर कर लेती हैं? मैं देखे कि अब मैं बदामी बाग से टोनशिप कीरा पिंड छोड़ने आई थी यहाँ पे किसी दो को, उसके बाद फिर उन्हें ले जाके उधर छोड़ना है, फिर मैंने वहाँ से जाना है शालामार बाग के पास, वहाँ से दो लड़कियों को लेना है। तो फिर इसी तरह ना मेरा कोई मसन के काफ़ी हो जाती है स्ट्रगल, मसन के 3-4-5 बजे तक ना मैं ये बाइक चलाती हूँ, स्मोक की वजह से मैं 5 बजे के बाद जरा थोड़ा सा नहीं करती, कोई एमरजेंसी हो तो फिर जाती हूँ। मतलब टाइमिंग फिक्स की हुई है, एक जैसे ऑफिस में 9 to 5 की ड्यूटी होती है, इसी तरह से आपने भी अपनी टाइमिंग फिक्स की हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्मोक की वजह से भी थोड़ा सा मसला भी होता है, तो अगर कोई एमरजेंसी हो तो चली जाती हूँ, लेकिन जो मेरी रूटीन है वो रात को ही मेरी बन जाती है, लोग मुझे कॉल कर लेते हैं, फोन करते हैं कि हमने सुबह इतने बजे जाना, फिर वो मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, उस टाइम में छोड़ के ना उनको आ जाती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने शादी की हुई है? नहीं, मैंने शादी नहीं की, पहले भी बताया था कि मैंने अपने बहन भाइयों की परवरिश के लिए ना, ये फिर उनकी के लिए मुस्तकबिल के लिए ना, मुझे ये जरा ना नहीं था अभी इजी मेरे लिए, तो मैं ना अपने बहन भाइयों की 6 बहनों की है, 4 भाइयों की भी की है, अल्लाह का शुक्र अपने घर। अब सबकी शादियाँ हो गई? सबकी शादी हो गई, अल्लाह बात है अपने घर। तो अब आपका नहीं है कि मैं भी अब करूँ? नहीं, आप जैसी बेटियाँ बेटे मेरी बेटे हैं, कोई बात नहीं है। तो बस मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ये चीजें थी कि शायद मैं जिम्मेदारी थोड़ा कुछ बनना चाहती थी, अपनी वालदा का बेटा बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी वालदा मुझे बेटा ही कहती थी, तो इसलिए फिर मैं ना यही चाहती थी कि चले ये मेरी जिंदगी है, लाइफ है बड़ी अच्छी है, शुक्र है उसकी ज़ात। आपको कभी फील नहीं हुआ कि नहीं ये भी होनी चाहिए, सारी चीज पूरी हो गई है, बहन भाइयों की भी शादियां कर दी है, खुद भी मैं कुछ बन गई हूँ, कुछ कमा रही हूँ, और इसके बाद अब? नहीं, ये कभी ख्याल भी नहीं, शायद ये शादी की नाम से मुझे थोड़ी सी
पता नहीं क्यों एनर्जी थी या इस तरह मुझे कोई फील नहीं होता था, क्योंकि मेरे बहन भाई थे, मेरे दिल में ये था कि मैं ज्यादातर ना दरवेश लोगों के पास बैठी, उनसे ही बातें की, उनके इलम लिया, क्योंकि मेरे दिल में ये था कि अगर मेरे दिल में मेरे खुदा की मोहब्बत है ना, जब मैंने सुना था एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं बसाई जाती, तो मैं क्या, मैंने शायद अल्लाह से यही इल्तिजा की जो मेरे लिए बेहतर है वो करे, तो शायद मेरे लिए यही बेहतर था, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ उसकी जात के हाथ में है, तो वो जो किसी के लिए करता है बेहतर करता है, वो कहता ना मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो उसने बेहतर किया होगा मेरे वास्ते जो फैसला किया होगा, नहीं तो वरना मेरी क्या औकात है कि मैं कह जाती कुछ। अच्छा, आपको बाइक राइडिंग का तो चैलेंज वो आपकी जरूरत के साथ आपके शौक पैदा हो गया, उसके अलावा क्या क्या शौक है आपके? उसके अलावा मैं जिडो कराटे हूँ, सीखती हूँ, तो लड़कों वाले सारे शौक मेरे में है, बैट बॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिड़ी छिक्का मैं खेल लेती हूँ, इस तरह की हर चीजें ना जो लोगों की हेल्प करनी या किसी के साथ चलना, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना होनी, ये चीजों का मैं मतलब ना सकती। शेर व शायरी कर लेती है जी, वो इसी लिहाज से मैं एक शेर कहूंगी, सजना वे तू हासे दिते, सजना वे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, लोका ने ते गल ही की थी, तू ते खोल खलासे दिते। बहुत जबरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा सिंगिंग वगैरह भी कर लेती हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। चले हमें कुछ सुना भी दे मैं ना तो थोड़ा सा हार्ट का मसला था, तब मुझे डॉक्टरों ने कहा था, लेकिन मैं अपने मोहल्ले में कहाँ भी शादी होना तो ढोलकी बजाने जाती हूँ, बड़े शौक से, मुझे कोई महीना पहले ही कह देते हैं कि आपने आना है। टप्पे शप्पे भी आते हैं फिर? मतलब जी बिल्कुल, टप्पे शप्पे भी आते हैं, क्यों नहीं आता। एक कोई सॉन्ग भी सुना दे और उसके बाद कोई टप्पा भी सुना दे। आजकल वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है। बुआ अगे पीछे टोयाई, नी बुआ अगे पीछे टोयाई, नी अगे दिल दुखिया सी, हुन जख्मी होयाई, नी अगे दिल दुखिया सी, हुन जख्मी होयाई। अच्छा, शायरी भी बड़ी दुखी थी, सॉन्ग भी बड़ा दुखी था, क्या बात है? बात ये थी कि मैं अपनी वालदा से बड़ी लगाव थी मुझे, और अपने बहन भाइयों से भी थी, और मेरा, मैंने पहले भी बताया कि मेरा दरवेश लोगों के साथ बड़ा था, क्योंकि एक दिन मैंने पहले भी बताया, और जो दरवेश लोगों के पास बैठता है ना वो इस दुनिया में दुखी, उनके अंदर दुख बहुत सारे होते हैं, तो मेरी अम्मी जब से मेरे से जुदा हो गई ना, तब से मैंने ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना ना देखा किया, मुझे नहीं पता था कि मैं वहां से गिर के नीचे आ जाऊंगी। चाहे बहन भाई अपनी जगह पे ठीक हैं, हो सकता है उनकी भी मजबूरियां, अपनी बीवी के जिस तरह भी है, मैं उन्हें कभी ये नहीं कहा, लेकिन मुझे उसके बाद ना जो हालात देखने पड़े ना, अल्लाह ना करे वो किसी को देखने पड़े। आप दुखी ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, और दुखी ना हो ना ही आप दुखी, कुछ सुनाए। अब हम कुछ फनी सुन लेते हैं आपसे, कोई फनी टप्पा सुना दे। अच्छा, कोई उड़ दे मग जाते, नी कोई उड़ दे मग जाते, हुसन ते रब देंदा, लोग मगर ही लग जाते, हुसन ते रब देंदा, लोग मगर ही लग जाते। लगा कोई मगर? नहीं, मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मुझे किसी में, आज जहाँ भी कोई है, कहीं भी है ना, मेरे से बड़ा है या छोटा, मैं सबको बेटा कह के पुकारती हूँ, क्योंकि मैं अपने अल्लाह के कानून जो है ना उनको मद्देनजर रखती हूँ। वो तो आप रखती हैं, मैं आपसे पूछ रही कि आपके कोई मगर लगा? नहीं, मगर मेरी यही था कि मेरे अपनी दोस्त हैं, भाई हैं, बेटे हैं, वो भी जरूरी नहीं प्यार, हामद ही हो तो प्यार होता है, बहन भाइयों बेटों से भी, आज जो ये सारे लोग आदम की औलाद हैं, ये मेरे बहन भाई बेटे ही हैं, तो इनसे भी प्लीज। वो सबका प्यार अलग होता है, लेकिन हर एक का प्यार अलग होता है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब मैं, मेरे ख्याल से ना शुरू से ना, जब भी मेरी मम्मी मेरी शादी का या कहीं नाम लेती थी ना, तो मैं यही कहती थी कि मैंने शादी नहीं करवानी, तो कभी फिर मेरी मम्मी ने दोबारा मुझे नहीं कहा था, शायद उन्हें समझ आ गई थी, मैं ना शायद मंदी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि शायद शुरू से आजाद थी, किसी की मलकियत नहीं बनना चाहती थी, तो आपको पता शादी के बाद बहुत सारे मसले थे, और कुछ मुझे हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बताया था मैंने पहले भी, तो उसकी मेडिसिन के लिहाज से मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि आप शादी ना करेंगी तो बेहतर है।